दिल्ली के कालकाजी इलाके के डीडीए फ्लैट्स के अंदर मिली युवक की लाश। जी हां, डीडीए फ्लैट के 8 ब्लॉक के अंदर आज सुबह सनसनी फैल गई जब मियां बीवी और बच्चों के साथ रह रहा युवक की लाश उसके घर में मिली। जिस तरीके से पुलिस को बताया गया, बयान में बताया है पति ने कि वो सुबह 5 बजे काम पर चली गई थी और जब घर आकर देखा तो वो घबरा गई। उसके पति का शव जो है घर में मिला, जिसकी गला रेत कर हत्या करी गई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं पूरे मामले की जाँच कर रही है। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप संजीव सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। नाम पूजा घोष है। पूजा घोष जी, आपके भाई के साथ क्या हुआ था, क्या वाक्य हुआ है? सर, मेरे भाई के साथ मैं दो कप परस कल रात को भाभी के साथ झगड़ा हुआ भैया का। तो फिर होने के बाद भाभी मॉर्निंग सुबह 5 बजे काम पे चली गई ड्यूटी पे। वहाँ से फिर हमारे पास फ़ोन आया, कॉल आया मेरे भैया के पास कि भैया का ऐसा था हादसा हो चुका है। तो वहीं वहाँ से तुरंत हम यहाँ पर आ गए और आकर हमने देखा कि ऐसे भैया लेटे हुए थे। अच्छा, क्या हुआ था भैया के साथ, किस चीज से वार किया, कैसे क्या? सर, चाकू से ही लग रहा है, चाकू से ही चीज से। कहाँ पे वार किया था? गले में सर। गला काट दिया जी। अब क्या हालात है? सर, डेथ पड़े हुए, बॉडी लेके जा रहे ट्रामा सेंटर पोस्टमार्टम के लिए। उर्मिला जी, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? मेरा बेटा के साथ हाथापा हुआ है, बेटे को ना मार दिया जान से। अच्छा। इसके मारा, इसके बहू ने ही मारा है। अच्छा। इनके मारा है। अच्छा। गुंडा बोल के बीबा ने मारा है, गुंडा मार। अच्छा। क्या नाम था आपके लड़के का? अर्जुन घोष। अर्जुन क्या काम करता था? ओला गाड़ी का काम करता है, अपना ओला गाड़ी।